हेलो दोस्तों, इंफ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंफ्रा मटेरियल आ चुका है अपने एक नए वीडियो के अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो कंक्रीट सेक्शन से रिलेटेड है और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कंक्रीट क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कंक्रीट के एडवांटेज क्या होते हैं, इसमें ग्रेड कौन से होते हैं, ये सारी वीडियो हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, कंक्रीट जो होता है हमारा वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, इसलिए वह स्ट्रक्चर को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दोस्तों, कंक्रीट का जो हम यूज करते हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, कॉलम्स, बीम्स, स्लैब्स एंड अदर लोड बियरिंग एलिमेंट्स के लिए करते हैं। कंक्रीट की जो क्वांटिटी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कंक्रीट कितनी क्वांटिटी में लगेगा, वो होता है क्यूबिक मीटर। और कंक्रीट का एक डिसएडवांटेज होता है, कंक्रीट हमारा जो होता है वो टेंशन में वीक होता है। तो टेंशन में हमें स्ट्रांग बनाने के लिए कंक्रीट को हम कंक्रीट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं कंक्रीट किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो पहला, कंक्रीट हमारा सीमेंट से मिलके बना होता है, सैंड से मिलके बना होता है और एग्रीगेट के साथ मिलके बना होता है। तो हम कह सकते हैं कंक्रीट जो होता है वो होता है हमारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का मिक्सचर, जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं। तो हम समझने वाले हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के कौन कौन से ग्रेड होते हैं, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट होता है कंक्रीट का ग्रेड जो बेसिकली डिपेंड होता है वो होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट के रेशियो पे। और जैसे जैसे कंक्रीट का ग्रेड बढ़ता जाता है वैसे वैसे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। इसकी क्वांटिटी जो हमारी स्ट्रेंथ की जो हम मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। और ग्रेड जो होता है हमारा वो रिप्रेजेंट होता है सबसे पहले कैपिटल एम, बॉटम में हम लिखेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फिर लिखेंगे हम सीमेंट, फिर लिखेंगे हम सैंड, फिर लिखेंगे एग्रीगेट का रेशियो। तो इसको अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे एम फाइव का, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। तो सीमेंट हो गया 1, सैंड हो गया 5, एग्रीगेट हो गया 10। फिर हम समझेंगे M7.5 जिसमें 1:4:8 होता है, M10 जिसमें होता है 1:3:6। फिर हम समझेंगे M15 जिसमें होता है 1:2:4। फिर हो गया M20 जो हमारा हो गया 1:1.5:3। M25 1:1:2। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।